चार निशानियां कोई आपके मुतालिक सोच रहा है, जब आपको बार बार हिचकी आती है तो थोड़ी देर के लिए ही सही आपके जहन में ये बात आती है कि कोई आपको याद कर रहा है। दौरे कदीम से ये सुनने में आ रहा है कि हिचकी आने का मतलब कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन इससे आपको शायद तसल्ली ना मिले कि कोई आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करे और बार बार याद करे तो आप ये बात साबित कर सकते हैं कि हाँ, हमें कोई याद कर रहा है। यहाँ कुछ निशानियाँ दी जा रही हैं जिसका मतलब कोई आपको बहुत ही ज़्यादा और बार बार याद कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये होता कैसे है। जब कोई इंसान आपको बार बार याद करता है और बहुत ही ज़्यादा याद करता है तो उसके अंदर से जो एनर्जी खारिज होती है वो कायनात में जाती है और वो एनर्जी किसी न किसी तरह आप तक पहुंचती है। तब कहीं जाकर आपके साथ कुछ ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आते। लेकिन इन निशानियों को जो इस वीडियो में दी जा रही हैं को देख कर आप समझ जाएंगे कि इन निशानियों का मतलब क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए देखें कि ये निशानियाँ, ये अलामत आप तक किस किस रूप में और कैसे कैसे सामने आती हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुँच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहली निशानी, किसी शख्स का बार बार ख्वाब में आना। सबसे पहली निशानी जो बहुत से लोगों के साथ होती है और ये निशानी बहुत आम है, वो है किसी शख्स का आपको बार बार ख्वाब में नज़र आना। कभी कभी ख्वाब आना और बार बार ख्वाब आने में बड़ा फ़र्क है। कभी कभी ऐसा ख्वाब आता है कि जिसमें वो शख्स आपसे बार बार बात करने की कोशिश करता है। या ऐसा होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर उसका ख्वाब आपको आ सकता है। अगर ऐसे ख्वाब बार बार आए तो ये इशारा कायनात की जानिब से है कि वो शख्स आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। दूसरी निशानी, किसी शख्स का आपको छूने का एहसास होना। दूसरी निशानी के जब कभी आप अकेले बैठे हों तब आपको ये एहसास होता है कि किसी इंसान ने आपको छुआ है, हालांकि वहाँ कोई नहीं होता और ना ही किसी ने आपको छुआ होता है, लेकिन कायनात में उस इंसान ने अपनी जो फ्रीक्वेंसी भेजी होती है अपनी जो एनर्जी भेजी होती है आपको याद करने के बाद, वो कायनात से आप तक पहुँचती है और इस अंदाज तक आप तक पहुँचती है कि आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो एनर्जी के रूप में आती है जहाँ आप उसे फील करते हैं। तीसरी निशानी, अचानक आपका मूड चेंज हो जाना। तीसरी निशानी के कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी चीज़ के आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आप क्यों खुश हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बिला वजह किसी बात पर हंसते हैं तो आप इस बात पर गौर नहीं करते कि इस खुशी की वजह क्या है। लेकिन कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बगैर किसी वजह के, बिना किसी मतलब के आप दुखी हो जाते हैं, आपको एक अजीब सा दर्द होने लगता है। तो ये चीज़ आपके साथ तब होती है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है और आपको याद करता है, तब आपको उनकी खुशी का एहसास होने लगता है। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है और दुख में आपको याद करता है तो आपका चेहरा उतर सकता है। तो कायनात में जो उसके एहसासात होते हैं, एनर्जी होती है, वो आप तक पहुंचती है जिसकी वजह से आपको दुख महसूस होता है। चौथी निशानी, अचानक आपका मूड चेंज हो जाना। अगर कोई आपको बहुत ही ज़्यादा याद करता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके कान जल रहे हैं या आपके गाल जल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप गर्मी से या धूप से आए हैं। अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा तरफ के साथ आपको याद करता है तब कायनात उस फ्रीक्वेंसी को आप तक पहुंचाती है। तो ये भी एक अलामत है कि
कोई आपको हद से ज्यादा याद करता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।